हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अभी मैं अपने फार्म पे हूँ और ये हमारा बड़ा वाला फार्म है और चूजे भी आ चुके हैं। और यहाँ पे बीच में जो कड़कनाथ है और ये छोटा वाला फार्म है। और चूजे का प्लेसमेंट काफ़ी दिनों के बाद हुआ, करीब 2 महीने के बाद। और इस वाले, ये छोटे वाले शेड में और उस बड़े वाले शेड में जो उस तरफ है, इन दोनों में मिला करके 4300 बर्ड प्लेस हुआ है। और ये प्लेसमेंट हुई है 9 तारीख को, 9 सितंबर को। आज है 12 सितंबर और बर्ड ठीक ठाक है और टेम्परेचर भी इसमें बहुत अच्छा है। जो टेम्परेचर चूजे को चाहिए, सेम वही टेम्परेचर अभी का नेचुरली टेम्परेचर है। और आगे चल के जैसे ये ग्रोथ करेंगे और 20-25 दिन के बाद मौसम और भी नॉर्मल हो जाएगा, ना बहुत गर्मी रह जाएगी ना बहुत ठंडी। और वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं बाहर था और कल ही आया रात में, और सुबह में आया। उस वाले फार्म में सारा पानी जो है दिया जा रहा है, मेडिसिन जो दी जा रही है। थोड़ी सी मोर्टेलिटी हुई है, टोटल अभी तक 25 मोर्टेलिटी हुई है 9 तारीख से आज तक। कल मोर्टेलिटी बढ़ गई थी तो मैंने चलवा दिया था DS, सिप्टॉन DS। योक वाली प्रॉब्लम दिख रही थी तो वो भी आज नहीं दिखा। एक आध दो बर्ड उस सिम्टम्स का दिख रहा है। ड्रिंकर है वो स्टैंड पे है और फीडर अभी इसमें, ये भी स्टैंड पे डाल दिए हैं लेकिन उस वाले में अभी स्टैंड पे नहीं डाला गया है। और इनका जो वेट था आज आने के बाद, मैंने जो है वेट किया तो 90 ग्राम एवरेज निकल रहा था। 15 बर्ड जो है वेट किया। टोटल इसमें 3 राउंड लगाए गए हैं, एक वो है, एक सेंटर में और ये ए, और उस वाले फार्म में, उस वाले में 4 राउंड में है। और एक हफ्ते के बाद ये जो फार्म के आधे में, यहाँ फार्म के आधे से इस तरफ भी इनको फैला दिया जाएगा। और साइडें जो हमारी चल रही हैं इसी पोल्ट्री फार्म कंस्ट्रक्शन की, वहाँ पे भी जाना है, वहाँ पे भी टीमें लगी हुई हैं। 3 दिन हो गया वहाँ पे भी विज़िट किए हुए, तो जाऊँगा तो आगे का जो काम हुआ है उसके बारे में भी आपको अपडेट दूँगा। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए कि हमारे फार्म पे जो है प्लेसमेंट हो चुकी है चूजे की। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।